हरे कृष्णा। आज का वीडियो थोड़ा सा समझने वाला है, आराम से धीरे धीरे। आई रिक्वेस्ट आप अपने मस्तक में नहीं, अपनी पुस्तक में इस वीडियो को लिखें। तो इसमें अपने साथ इस वीडियो को पॉज करें और अपने डायरी पेन अपने हाथ में रख लें, तो ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन समझने वाला है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वीडियो के बेस पर आपका वीजा आएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ आ गया तो समझने की आपने अपने वीजा को 80% सक्सेस रेशो पर ले गए हो, 20 आपके इंटरव्यू पे बेस करता है। अगर अब ये वीडियो क्या है, ऑलरेडी आपने थंबनेल में पढ़ भी लिया। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि 10th और 12th पास करा हुआ बच्चा अपना कौन सा कोर्स चूज करेगा और कॉलेज पास करा हुआ बच्चा अपना कौन सा कोर्स उसको चूज करना चाहिए। क्योंकि ये एक क्वेश्चन हर एक एसोसिएट और हर एक स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि मेरे लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है। तो इस वीडियो से आपको खुद ही क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए। अब आप समझिए, मैं पहले समझाने वाला हूं 10th और 12th पास वाले बच्चों का, फिर समझाऊंगा जिन्होंने कॉलेज पास आउट कर लिया है। अब आपने 10th या 12th पास कर लिया और पास करने के बाद आपके पास दो क्राइटेरिये हैं, ठीक है? तो अपने डायरी में नोट करें, 10th 12th, उसके नीचे दो क्राइटेरिये। पहला क्राइटेरिया है एकेडमिक, दूसरा क्राइटेरिया है आपका एक्सपीरियंस। अब जो एकेडमिक क्राइटेरिया है उसका मतलब हुआ कि आपने 10th या 12th जिस भी अपनी स्ट्रीम से पास आउट करा था, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कुछ भी, जो भी आपने पास आउट करा और उसके पास करते ही आपने उसी पर्टिकुलर कोर्स में अप्लाई करा, या फिर आपने एक स्पेसिफिक इंडिया के अंदर या अपनी कंट्री में एक स्पेसिफिक उस चीज का कोर्स करा, कोई कंप्यूटर में डिप्लोमा कर लिया, हॉस्पिटैलिटी में डिप्लोमा कर लिया, टूरिज्म ट्रैवल में कोई डिप्लोमा कर लिया, एजुकेशन के अंदर कोई डिप्लोमा कर लिया, आपने कोई ट्रेनिंग में डिप्लोमा कर लिया, आपने कोई हेल्थ केयर में कोई डिप्लोमा कर लिया, तो इंडिया में कोई स्पेसिफिक आपने पढ़ाई करी है और उस पढ़ाई का ही एक्सपीरियंस है, तो आपने उस पढ़ाई के बेस पर अपना कोर्स चूज करा। तो पहला क्राइटेरिया हुआ कि आपने 12th पास करी, उसके बाद आपने एक स्पेसिफिक एकेडमिक एजुकेशन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोई भी पढ़ाई इंडिया में करी और उस पढ़ाई के इमीडिएटली बाद आपने माल्टा अप्लाई करा। तो एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, उसने 12th पास करी। अब ये 4-5 दोस्त थे, इन सब ने 12th पास करी, जिसमें से एक ने 12th के बाद हॉस्पिटैलिटी का डिप्लोमा करा, तो वो कौन सा कोर्स लेगा? हॉस्पिटैलिटी का। एक स्टूडेंट है जिसने ट्रैवल टिकटिंग के ऊपर एक डिप्लोमा कर लिया, तो वो कौन सा कोर्स चूज करेगा? टूरिज्म का कोर्स चूज करेगा। एक ने कंप्यूटर के अंदर कोई हार्डवेयर का, इंजीनियरिंग का, सॉफ्टवेयर का कोई कोर्स की पढ़ाई कर ली, वेब डिजाइनिंग की पढ़ाई कर ली, राइट? उसने कोई कंप्यूटर की कोई भी पढ़ाई करी, तो वो कौन सा कोर्स चूज करेगा? कंप्यूटर का। एक स्टूडेंट ऐसे ही, उसने कोई ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम ले लिया, मोटिवेशन कोर्स कर लिया, उसने कोई एजुकेशन में कर लिया, बीएड वाले कुछ छोटे डिप्लोमा सर्टिफिकेट होते हैं वो कर लिया, तो वो ये कोर्स लेगा। ऐसे ही किसी ने केयर गिवर में, रेड क्रॉस में, सोशल सर्विस में, केयर हेल्थ लाइन में कोई कोर्स कर लिया, तो वो ये कोर्स लेगा। सारे बच्चों ने 12th के बाद अलग अलग स्ट्रीम के अंदर अपने सर्टिफिकेट डिप्लोमा लिए और उन्हीं कोर्स में फिर वो जाएंगे। तो पहला 10th और 12th दो क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया था आपका एकेडमिक, एकेडमिक में आपने जो भी पढ़ाई करी थी उसी पढ़ाई के बेस पर आपने अपना कोर्स चूज करा। अब सवाल ये होता है कि जी मैंने तो 12th के बाद पढ़ाई नहीं करी। अब अगर 12th के बाद पढ़ाई नहीं करी तो 12th के बाद क्या करा है फिर? एक्सपीरियंस। तो आप सिर्फ दो ही चीजें कह सकते हो कि भैया मैंने 12th के बाद पढ़ाई करी है या 12th के बाद एक्सपीरियंस लिया है। अगर आप ये कहते हो कि जी मैंने 12th के बाद कुछ भी नहीं करा, तो आपका प्रोफाइल नॉट एक्सेप्टेबल है। ये कहना कि जी मैंने कुछ भी नहीं करा, तो आपने अगर कुछ नहीं करा तो आप कुछ भी के लायक नहीं हो जी, तो आपको बाहर जाने के लिए वीजा
या ऑफर लेटर कुछ नहीं मिलेगा, तो आपका केस बिल्कुल नेगेटिव में है। इसलिए आपके पास कोई ना कोई अपने उस पढ़ाई को जस्टिफाई करने के लिए, अपने उस गैप को जस्टिफाई करने के लिए या तो एकेडमिक डॉक्यूमेंट हो या एक्सपीरियंस हो। तो एकेडमिक हमने समझ लिया, अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। अगेन सेम एग्जांपल लूंगा, ट्वेल्थ करे हुए बच्चे, टेंथ करे हुए बच्चे जिन्होंने आर्ट्स करा, कॉमर्स करा या साइंस करा या किसी भी बैकग्राउंड से करा, उन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद कोई तो काम करा होगा, उन्होंने जो भी काम करा होगा, आप अपने काम, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अपना कोर्स चूज करेंगे। अब आप अपनी एजुकेशन के बेस पर कोर्स चूज नहीं करेंगे, आप समझे ध्यान से। आपको अगर ट्वेल्थ के बाद 2-3-4-5-10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, गैप हो चुका है, तो आप अपनी ट्वेल्थ या उसके बाद करी हुई पढ़ाई के ऊपर अपना कोर्स चूज नहीं करेंगे। अगर आपको 5-6 साल का आप अपना एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, 2-3 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, तो पढ़ाई आपकी सेकेंडरी हो जाएगी, एक्सपीरियंस आपका प्राइमरी हो जाएगा। क्योंकि आज आप क्या कर रहे हो, आज मैं कहीं जॉब कर रहा हूं, आज मैं कहीं बिजनेस कर रहा हूं, तो आज मैं जो कर रहा हूं आज उसकी प्रायोरिटी रहेगी। आपने आज से 2-4-5 साल पहले जो पढ़ाई करी थी वो सेकेंड प्रायोरिटी पे होगा, एक्सपीरियंस प्राइम प्रायोरिटी पे होगा। तो अगर आपने अपनी ट्वेल्थ के बाद, एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कोई कंप्यूटर कोर्स करा ट्वेल्थ के बाद, पर आपने फिर नौकरी कंप्यूटर पे नहीं करी, क्योंकि आपकी को जो नौकरी मिल गई वो मिल गई आपको टिकटिंग लाइन के अंदर, तो आप टूरिज्म का करोगे। आपको नौकरी मिल गई किसी होटल लाइन के अंदर, तो आप हॉस्पिटलिटी का कोर्स लोगे। आपने कोर्स करा था कंप्यूटर का पर नौकरी मिल गई यहां पे, तो जो आपने कोर्स किया था उसकी वैल्यू सेकेंडरी होगी, प्राइमरी वैल्यू आज जो आप कर रहे हो उसकी होगी। हाँ, आपने कोर्स कंप्यूटर का करा, एक्सपीरियंस भी कंप्यूटर का है, तो आप कंप्यूटर का कोर्स लोगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि आपके ट्वेल्थ के बाद दो कैटेगरी हुई, एक एकेडमिक कैटेगरी, एक एक्सपीरियंस की कैटेगरी। एकेडमिक के बाद बिना एक्सपीरियंस के इमीडिएटली आप एडमिशन ले रहे हो तो एकेडमिक की वैल्यू होगी, पर एकेडमिक लेने के बाद 2-3-4-5 साल का गैप आ गया, 10 साल का गैप आ गया, तो जो आप लेटेस्ट आज कर रहे हो वो प्राइमरी माना जाएगा। उसी आज जो आप कर रहे हो उसी के बेस पर आगे आप कोर्स के लिए जा रहे हो। अब एक सवाल यहां ये उठता है कि जी मैं जो काम कर रहा हूं आज की डेट में वो तो यहां पर कोर्स ही नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है, आप ऐसे बहुत सारे काम कर रहे होगे, बहुत सारे ऐसे बिजनेस कर रहे होगे, बहुत सारी ऐसी जॉब्स होंगी जिसका यहां कोर्स ही नहीं है। तो एक ऐसा कोर्स है जो दुनिया में जो व्यक्ति रेडी चला रहा है, जो खेती कर रहा है, या किसी कॉर्पोरेट के अंदर सीईओ, डायरेक्टर, मैनेजर है, हर एक के लिए एक कोर्स मैंडेटरी है, करना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। वो कोर्स क्या है? वो कोर्स है बिजनेस मैनेजमेंट। मैं अपनी बिजनेस मैनेजमेंट, अपनी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अपनी लीडरशिप मैनेजमेंट को मैं इनहेंस करना चाहता हूं, डेवलप करना चाहता हूं, जिससे कि मैं जो भी काम कर रहा हूं उस पर मैं और सीनियर पोजीशन पे आ जाऊं, या मैं अपनी फील्ड में एक बिजनेस शुरू कर सकूं, या मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उसको मैं कैसे इंटरनेशनली ग्रो कर सकूं। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं और ये आपका एकेडमिक या एक्सपीरियंस इन चार कैटेगरी में नहीं आता, तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है बिजनेस मैनेजमेंट। कि जी मेरे को अपनी इंडिविजुअल पर्सनल बिजनेस स्किल्स, स्ट्रेटेजिक स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स को इनहेंस करना है, डेवलप करना है, इसलिए मैं ये कोर्स करना चाहता हूं। और बाहर क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि मेरे को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, क्योंकि इंडिया भी एक धीरे धीरे बड़ा कॉस्मोपॉलिटन कंट्री होता जा रहा है। मतलब कि इंडिया के अंदर बहुत सारी कंट्री के लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, बहुत सारी कंट्री के लोगों ने अपने बिजनेसेस करे हुए हैं, तो इंडिया में बहुत सारा इंटरनेशनल बिजनेस होता है। इसलिए मैं बाहर से करना चाहता हूं कि मेरे को एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले। सो ये हुआ आपका ट्वेल्थ के बाद। अब मैंने ये क्यों बोला टेंथ और ट्वेल्थ के बाद, क्योंकि
माल्टा में जो एजुकेशन है वो है लेवल के हिसाब से, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7। तो जब हम बोलते हैं लेवल 4, 5 और 6, तो 4, 5, 6 जो लेवल है माल्टा के, ये लेवल चाहे आपके अंडर ग्रेजुएट मतलब 12वीं के बाद वाले और कॉलेज के नीचे वाले 4, 5, 6। पर जब हम लेवल 7 में आते हैं, मतलब कि आपने इंडिया में ग्रेजुएशन कर ली, आपने इंडिया में अपना एक बैचलर्स डिग्री ले ली, चाहे वो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स कुछ भी थी, चाहे वो बीएड था, बीटेक था, कोई भी बैचलर्स डिग्री अगर आपने ले ली है, तो आप जब माल्टा जाएंगे तो आप लेवल 4, 5, 6 पे नहीं जाएंगे, आप जाएंगे लेवल 7 पर। याद रखिएगा हमेशा, अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो आप लेवल 7 के लिए अप्लाई करेंगे। तो लेवल 7 में ज्यादातर जो कोर्सेज होते हैं वो होते हैं एमबीए वाले कोर्सेज, एमबीए मतलब मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। कोर्सेज होते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कम्स अंडर दिस कैटेगरी। कोर्सेज होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, कम्स अंडर दिस कैटेगरी। कोर्सेज होते हैं लीडरशिप मैनेजमेंट, कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो ज्यादातर लेवल 7 के जो कोर्सेज हैं दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। पर अगर आपका कोई स्पेसिफिक आपका एक्सपीरियंस, कोई स्पेसिफिक आपका अगर कोई डिग्री है आपके पास, कोई एजुकेशन है और उसका एक्सपीरियंस है, तो आप हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि जी मेरा स्पेसिफिक ये एक्सपीरियंस, ये एजुकेशन है, अब मैं कौन से कोर्स के लिए जाऊं। एग्जांपल, हेल्थ एंड सोशल केयर के अंदर अगर आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल लाइन में हैं, तो यस हमारे पास ऐसे कोर्सेज भी हैं जो लेवल 7 में आपको सपोर्ट करेंगे। तो वो अगर कोई स्पेसिफिक है तो हम उस स्पेसिफिक डिस्कस कर सकते हैं, बट इन जर्नल बैचलर्स डिग्री अगर आपने ले ली है और आपका कोई भी एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस को आप बड़े आराम से अपने इस बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने अभी समझाया है कि 10th और 12th के बाद कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए और फिर कॉलेज के बाद कौन सा आपको कोर्स चूज करना चाहिए। माल्टा स्टूडेंट वीजा हमारी कंपनी बहुत स्ट्रांगली करती है, MX इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन के हम लोग इंडिया एडमिशन सेंटर हैं। पूरे साउथ एशिया कंट्री में अगर आप एजेंट हैं तो नीचे हमारे एसोसिएट्स के नंबर हैं, हमारी टीम के नंबर हैं, अगर आप एजेंट हैं तो हमारी टीम से बात करें, आप कॉलेज के साथ अपना डायरेक्ट टाई अप करें, डायरेक्ट स्टूडेंट्स दें और डायरेक्ट कमीशन लें आप। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आई एडवाइस आप जिस एरिया में हैं वहां पर जो भी लोकल एसोसिएट है उसके थ्रू अपनी फाइल डालें, क्योंकि लोकल एसोसिएट को काफी एजुकेशन होती है, काफी ट्रेनिंग होती है, काफी एक्सपीरियंस होता है, वो आपको 1-to-1 लोकल सपोर्ट देंगे और वो हमारे साथ इन टच में रहते हैं ज्यादातर। अगर आप हमारे ही कहीं नियर बाय ऑफिस में हैं तो डेफिनेटली यू आर ऑलवेज वेलकम टू आवर ऑफिस एज अ स्टूडेंट एंड वी विल टेक योर केस एज डायरेक्ट स्टूडेंट टू द कॉलेज, जिसमें कोई भी एजेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। हमारे ऑफिसेस नोएडा में, हमारा हेड ऑफिस है नोएडा, दिल्ली, सिरसा, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, दीज आर आर इंडिया ऑफिसेस। हमारे इंटरनेशनल ऑफिसेस हैं दुबई में, माल्टा में, क्रोएशिया में। सो नीचे नंबर है, कॉल करें, अपना प्रोसेस शुरू करें। मैं अमन शुक्ला, आई एम द CEO ऑफ द कंपनी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।